ज्यादातर शारीरिक सुविधाओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर शारीरिक सुविधाओं के हम जो होते हैं लोभी हो जाते हैं, और जब शारीरिक सुविधाओं में लगे रहते हैं या शारीरिक अभिलाषाओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो पाप हमारे जीवन में आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम दूसरे खंड में हैं, 7 कलीसियाओं के नाम पर। हम सीख रहे हैं सर्दिस की कलीसिया के बारे में। जी हाँ, सर्दिस की कलीसिया का यह तीसरा भाग है। और पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 1 पद से 7 आत्माओं के विषय में सीखा था। परमेश्वर के वचन से हमने इन बातों को सीखा था, परंतु आज हम फिर से इसी पॉइंट पर बात है। इसी पॉइंट का मतलब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके पहले पद से ही सीखेंगे। जी हाँ, इसमें 2 बातें जो थी वो हम जानते हैं कि क्या बातें थी। इसमें जो दूसरा जो पॉइंट रह गया था कि प्रभु जो है उस दूत के काम को जानता है, उस दूत के काम का वर्णन करता है, इसके बारे में जो है वह हम सीखेंगे कि प्रभु क्या कहता है। आप सर्दिस की कलीसिया के बारे में यदि पढ़ना चाहते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1-6 पद में आप पढ़ सकते हैं, या आप अपने साथ निकाल के रख सकते हैं। हम इस समय पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके पहले पद को। यहां पर परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है, सर्दिस की कलीसिया के दूत को ये लिख जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। अब यहां पर जो है परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है कि वो दूत से बात कर रहा है कि तू, मैं तेरे कामों को जानता हूं। जी हाँ, देखिए पिछले संदेश में हमने क्या सीखा था, 7 आत्माएं और 7 तारों के विषय में, परंतु आज जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं दूत के कामों का वर्णन जो है वो प्रभु करता है, मैं तेरे काम को तो जानता हूं। अब क्या काम को जानता है कि मैं तेरे काम को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। बहुत अजीब सी बात नहीं लग रही है कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। परमेश्वर सबके कामों को जो है वो अच्छी तरीके से जानता है, ये ध्यान रखें। ये सिर्फ इस दूत के काम को नहीं, आप अगर आप सुन रहे हैं ना, जो लोग भी सुन रहे हैं, तो वो आपके काम को भी जानता है। आप क्या काम कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं, और हर एक के काम का जो है वो लेखा जोखा लिखा जा रहा है। बहुत से लोग सिर्फ जीवन के पुस्तक की बात करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आएगा और न्याय के लिए बैठेगा तो वहां लिखा है कि पुस्तकें खोली गई। जी हाँ, पुस्तकें लिखा है, पुस्तक नहीं लिखा है, कि पुस्तकें खोली गई और उनको उनके कामों के अनुसार जो है वो प्रतिफल मिला है उनका। तो काम यदि आपने अच्छे करें या बुरे करें, या यदि आप ये सोचते हैं कि अरे मेरे इस काम को कौन देख रहा है, मेरी बुराई को कौन देख रहा है, तो ये गलतफहमी जो है इसमें मत रहिए, इस गलतफहमी में, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपके काम को देख रहा है और उसकी निगाहें जो हैं सब स्थानों पर जो हैं वो लगी रहती है। इसके पहले भाग में हमने सीखा था कि परमेश्वर की जो 7 आत्माएं हैं सारी पृथ्वी पर, पृथ्वी के हर एक कोने पर लगी रहती हैं, और जकरिया कहता है ये 7 आत्माएं 7 आंखें हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे हर काम को जानता है, और वो सर्दिस की कलीसिया के दूत को कह रहा है कि मैं तेरे काम को जानता हूं। अब देखिए, काम को जानने का मतलब काम क्या है, बुरे काम क्या। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बुराई क्या करते हैं, कि बुरे काम क्या है, ये यहां पर इस तरीके से, बुरे काम, अधर्म के काम, कुकर्म, अपराध, अशुद्ध काम, शरीर के काम, घृणित काम, या ऐसे बहुत से जो काम हैं जिसमें हम जो है लिप्त रहते हैं, परमेश्वर इनको जानता है। भजन संहिता 33 और उसके 15वें पद में क्या लिखा है, बहुत ध्यान करेंगे। भजन संहिता 33 और उसके 15वें पद, वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। परमेश्वर विचार कर रहा है हमारे कामों का, अच्छा तो ये कर रहा है, अब इसको क्या दंड देना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर ये नहीं सुधरा और इसने इस काम को नहीं छोड़ा तो फिर ये है, ये दंड देगा, ये सोच रहा है परमेश्वर, विचार कर रहा। और ये कलीसिया के दूत को समझाना चाहता है, सर्दिस की कलीसिया के दूत को यही समझा रहा है। भजन संहिता 51 और उसके 9 पद में क्या लिखा है, ये दाऊद की प्रार्थना है। अब दाऊद की प्रार्थना जो है विशेष प्रार्थना, क्या लिखा, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के काम को मिटा डाल। देखिए दाऊद क्यों,
देखिए दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है कि अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। देखिए हम पाप करते रहे, परमेश्वर मुख फेर लेगा। इसकी दाऊद की प्रार्थना को समझिए कि मेरे अधर्म के जो काम, मेरे पापों के जो पाप है, उनसे अपना मुख फेर ले, और फेर भी सिर्फ फेर मत ले बल्कि मेरे अधर्म के कामों को मिटा दे, मेरे अंदर से मिटा दे। ये प्रार्थना, और यही प्रार्थना जो है हमारी होनी चाहिए। और इसलिए प्रभु कह रहा है मैं तेरे दूत को, दूत के काम को क्या करता है, वो कह रहा है मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे काम बुरे हैं तो हम जीवित तो कहलाते हैं परंतु हैं हम मरे हुए के समान है। देखिए एक कब्र के अंदर जो होती है क्या होती है, सड़ांद होती है। अब हमारे अंदर क्या है, हम जीवित तो हैं परंतु हम चलती फिरती लाश है, चलती फिरती कब्र है जिसके अंदर सड़ांद भरी है। ऊपर से क्या है, ऊपर से साफ, बहुत साफ सुथरे हैं, नहाए धोए हैं, सेंट लगाया है, अच्छे महंगे वाले शैंपू से नहाए, खुशबू आ रही है। अरे भाई आज तो बड़ी खुशबू आ रही है तुम्हारे पास से, क्या बात है, अंदर तो खुशबू, मगर प्रभु जो है ऊपर की खुशबू नहीं, ऊपर की खुशबू तो मनुष्य सूंघ रहे हैं परंतु परमेश्वर अंदर की खुशबू देखता है। अंदर की खुशबू का एहसास उसे होना चाहिए, और अंदर की खुशबू जो है ये कब आएगी, जब अच्छे काम हमारे अंदर से प्रकट होंगे, जब अच्छाइयां प्रकट होंगी, तब प्रभु जो है उन अच्छाइयों की खुशबू को प्राप्त करता है, लेता है और आनंदित होता है। और उसके स्वर्गदूत भी जो है वो आनंदित होते हैं, बहुत समझने वाली बातें हैं। वो कहता है मैं तेरे काम को तो जानता हूं परंतु तू मरा हुआ है। फिर क्या कहता है, नीति वचन 20 और उसके 11 पद में, लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। बिल्कुल सही बात है, लड़का हो, यहां लड़का शब्द आया है, बच्चे शब्द है, या कोई भी हो, हर इंसान जो है, जैसे कहता है ना एक बाइबल के अंदर एक रेफरेंस आया कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, ऐसे ही हर इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। और वो काम ही इस बात को दिखाते हैं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आप पवित्र हैं या अपवित्र हैं, आप धर्मी हैं या अधर्मी हैं, आप परमेश्वर के हैं या शैतान के। और वो दूत को यही बता रहा है कि तू मेरा नहीं है, तू मेरा नहीं है, तू मेरा नहीं कहलाता है, तू अपवित्र है और अधर्मी है, क्योंकि तेरे काम जो है वो प्रकट, तू जीवित तो कहलाता है, जीवित तो है तू परंतु है मरा हुआ। यहां परमेश्वर जो है उस दूत को कहता है, फिर क्या कहता है, ये जो है ये बड़ा है, ऐसा व्यक्ति जो जीवित है संसारिक दृष्टिकोण से परंतु आत्मिक दृष्टिकोण से क्या है, वो मरे हुए के समान है, जो परमेश्वर कहता है। फिर क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ऐसे लोग जो हैं जो जीवित कहलाते हैं परंतु हैं मरे हुए के समान। जब आप प्रकाशित वाक्य 20 का 14 पद पढ़ेंगे तो ऐसा व्यक्ति जो है दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता है, और दूसरी मृत्यु क्या है, आग की झील। जी हाँ, आग की झील जो है वो उसको प्राप्त होता है। रोमियो 8 और उसके 6 में क्या लिखा, बड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को जरा, ये पौलुस की बात है, पौलुस बहुत बड़ा फिलोसोफर था और बड़ी गहरी बातें बोलता है। पौलुस क्या कहता है, रोमियो 8 और उसके 6 पद, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जी हाँ, हम लोग क्या है ज्यादातर शारीरिक सुविधाओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर शारीरिक सुविधाओं के हम जो होते हैं लोभी हो जाते हैं, और जब शारीरिक सुविधाओं में लगे रहते हैं या शारीरिक अभिलाषाओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो पाप हमारे जीवन में आ जाता है। गलतियों 5 अध्याय 19-21 पद आप पढ़ लीजिएगा कि वहां पर क्या लिखा हुआ है कि शरीर के काम तो प्रकट है। जी हाँ, अब वहां पर जो है शरीर के काम तो प्रकट है। अब शरीर के काम है क्या, मैं आपको बता देना चाहता हूं, व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिश ना हो। जैसा मैंने बताया, अगर परमेश्वर के राज के वारिश नहीं होंगे तो कहां होंगे भैया, दूसरी मृत्यु के। दूसरी मृत्यु का मतलब यानी आग की झील, जो वो स्थान है उसको प्राप्त, वहां जाएंगे। तो यहां परमेश्वर क्या कह रहा है, शारीरिक रूप से हम क्या है, हम जीवित कहलाए जाते हैं, हमें आत्मिक रूप से जीवित रहना है। आत्मिक रूप से तो मरे हुए है? तो जीवित तो कह रहा था परंतु है मरा हुआ। ये उस समय के लोगों के लिए एक संदेश था
प्रभु का, उस दूत के लोगों को, कि तू अपने आप को भी और अपने लोगों को भी समझा। और ये नहीं है कि ये सिर्फ उसी समय के लोगों के लिए था, ये आज के लोगों के लिए भी, मेरे और आपके लिए भी है। यदि हम जीवित तो हैं पृथ्वी के ऊपर परंतु हैं मरुओं के समान, तो ये समझ लीजिए कि हमारा स्थान कहां पर है और प्रभु हमें कहां डालने की सोच रहा है। पहले योना की पत्री 3:14 14वां पद जो है जरा पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। आज जो है हम कहां, हम पहले कहां थे? मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। हम पहले मृत्यु में थे, अंधकार में थे, पाप में थे, अधर्म में थे, मगर जीवन देने प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने उस मृत्यु में से, जो हम पर हावी हो गई थी, जो अदन की वाटिका के अंदर, जिसने आदम के अंदर प्रवेश कर लिया था, उस मृत्यु से यानी पाप से छुटकारा देकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहां पहुंचाया? जीवन में पहुंचाया। जीवन में कहने का मतलब कि यीशु मसीह जो है वो जीवन है। वो कहता पुनर्स्थान और जीवन मैं ही हूं, यानी उसने अपने आप में, यानी हमें जो है अपने प्रभु यीशु मसीह ने अपने में ले लिया हमें। अब हमने क्या प्राप्त कर लिया? हमने जीवन प्राप्त कर लिया, और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह उसने जीवन को प्राप्त करा है, और वो जीवित प्राणियों में स्वर्गीय आत्मिक रूप से जीवित उठा है। जी हाँ, आत्मिक रूप से जी उठा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता, ठीक है, बात क्या है, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। अब आप सोचिए, आप किससे प्रेम नहीं रखते हैं? आप, वो कहता अपने दुश्मनों से प्रेम करो। दुश्मनों से प्रेम करने का मतलब क्या है? प्रभु मैं अपने विरोधी के लिए, जो मेरा विरोधी है, जो मेरा दुश्मन है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तू उसे आशीष दे, तू उसे भताश से आशीष दे, तू उसकी नफरत को खत्म कर दे, तू उसको अब उसके परिवार को सुरक्षित रख, तू उसे सुरक्षित रख, ऐसी प्रार्थना करने से। शत्रु से प्रेम करने का मतलब है कि आप जाएं और उसको गले लगाएं। उसको गले लगाना होता है प्रेम करने का मतलब। उसके लिए दुआ करना नहीं होता है, दुआ तो बाद में होती है, पहले आप उसे गले लगाइए, वो नफरत को खत्म कर दीजिए। बोलने से नफरत खत्म नहीं होती, करने से होती है। और यदि ये नफरत खत्म नहीं हो रही है और हम प्रेम नहीं कर रहे हैं किसी से, किसी से भी प्रेम, चाहे जो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर एक से प्रेम करना प्रभु ने हमें सिखाया है। और परमेश्वर के जो आत्मा का जो पहला फल है वो प्रेम है, और वो प्रेम हम में नहीं बना है तो आत्मा हम में नहीं बना है, और हम जो है मृत्यु की दशा में रहते हैं। कैसी, किस दशा में रहते हैं, ये परमेश्वर का वचन बताता है। आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। योहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, प्रभु ने कहा कि प्रेम रखो, तो ये उसका वचन है। प्रभु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, ये उसका वचन है, और उसके हर एक वचन को मानना ही हमारा काम है। और यदि हम उसके वचन को मानते हैं जैसा वो कहता है, जैसा उसने सिखाया, और वैसे ही हमें भी करना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हमने मृत्यु से पार होकर कहां प्रवेश कर लिया? जीवन में प्रवेश। और अगर ये चीजें हमारे अंदर नहीं बनी है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर पूरा नहीं हो रहा है, परमेश्वर का वचन को हम पूरा नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर के वचन की अनदेखी कर रहे हैं, तो हम कितने भी धार्मिक बने रहें, कितनी भी दुआ करें, कितने भी चर्च चले जाएं, कितनी भी बाइबल पढ़ें, कितनी भी प्रार्थना सभा अटेंड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्या है, जीवित तो कहलाते परंतु है मरे हुए के समान। एक चलती फिरती लाश है, डेड बॉडी है, जिसमें से सिर्फ सड़ांद और सड़ांद भरी हुई है, और बदबू के सिवा और कुछ नहीं आता। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचाया, तो जीवन में ही बने रहे, जीवन से बाहर ना निकले, ताकि सर्दिस की कलीसिया के दूत के वो कामों का जो वर्णन कर रहा है, हमारे कामों का भी करेगा और हमें भी प्रतिफल वैसे ही देगा। अच्छे करे होंगे तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा, बुरा करा होगा बुरा। ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या सोचते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन।